तो ये है आपकी और हमारी फेवरेट स्प्लेंडर, जो कि बंदों की पहली पसंद होती है इसके माइलेज के हिसाब से। तो आज हम इस बाइक के करेंगे स्पॉकेट चेंज, क्योंकि उनकी हालत कुछ ख़राब हो चुकी थी। और यह वो नया स्पॉकेट जो कि हम इस बाइक में डालने वाले हैं, और यह वो नई चेन। तो अभी करते हैं इसको सेट। और जो स्पॉकेट की रेंज होती है वो होती है 20,000 से 30,000 किलोमीटर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हो और कैसे रास्ते में वो चल रही है। और फिर हम करते हैं इसकी चेन को सर्च, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और अब निकालते हैं टायर से बियरिंग, उसमें करते हैं अच्छी तरीके से ग्रीस अप्लाई, जिससे कि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। और अब करते हैं बियरिंग को अच्छी तरीके से सेट। और फिर हम करते हैं टायर की रॉड में अच्छे से ग्रीस अप्लाई, जिससे कि टायर हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर सके। और अब हम करेंगे फ्रंट टायर के सस्पेंशन की सर्विस, जिसको भी आप शॉकर ही बोलते हो, और मैकेनिकल भाषा में शॉक एब्जॉर्बर। सबसे पहले निकालेंगे हम इसका मड गार्ड, और फिर निकालेंगे एक एक करके इसके सस्पेंशन। और अब हम निकालेंगे सस्पेंशन के अंदर के पार्ट्स, फिर निकालेंगे हम इसकी ये बड़ी सी स्प्रिंग, और करेंगे इनकी साफ सफाई। और अब सस्पेंशन के अंदर डालेंगे हम ये वाला ल्यूब्रिकेंट, जो कि हमारी बाइक के हिसाब से बेस्ट है, जिसका नाम ही एंड्योरेंस है। और फिर दूसरे सस्पेंशन के साथ भी वही सेम काम। और पहले हम करेंगे इसकी स्प्रिंग को अच्छे से साफ। और हमारे सस्पेंशन की सर्विस हो चुकी है एकदम अच्छे से। अब डालेंगे इसके अंदर ऑयल, और फिर लाएंगे स्प्रिंग को, और कर देंगे इसे अच्छे से सेट। और ये देखिए, हमारा सस्पेंशन एकदम अच्छे से काम भी कर रहा है।